जनता का ये बहुत दिन ये डिमांड था कि मतलब क्षेत्र में ही कहीं आपका स्थान हो, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सब लोग आ गए, जहाँ पे सभी क्षेत्र के जितने भी जनता है, जितने भी कार्यकर्ता है या नेतागण है, मतलब आराम से आके यहाँ पे मिल सके, इसलिए आज से यहीं पे सबसे मिलना जुलना जो भी होगा आज इसी स्थान से सब, और जो मेन कार्यालय जो होगा वो यही होगा। ईसा जी, आज दूसरे चरण का चुनाव है, मतदान हो रहा है, किस रूप में देख रही हैं, कैसा जनता का जो है समर्थन की तरीके मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सत्यनारायण भगवान की अभी पूजा की है और कामना की है कि महागठबंधन जितने भी सीटों से लड़ रहा है सब सीटों पे विजय प्राप्त करे, जिस तरह से पहले चरण में 4 सीटों पे विजय की तरफ वो चल पड़ा है, दूसरे चरण में भी आज सभी को, सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामना है कि जीत करके वो आए और जनता उन उम्मीदवारों के प्रति अपनी आस्था जता रही है और पूरी उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से देश में आपने देखी कि 2 बार जनता ने मौका दिया और कुछ काम इन्होंने नहीं किया, और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी के प्रति जनता आस्था दिखा रही है। ये प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है आज, ललन सिंह के लिए मुंगेर में वो प्रचार करेंगे, लगातार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री और कई बार आप लोगों पर बड़ा प्रहार भी उन्होंने किया है, आज फिर से बिहार में है, देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं उसके बाद भी, और वो मतलब जो मुद्दे हैं उस पर वो चर्चा करते हैं कि नहीं, बिहार में पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी कब खुलेगी, उसमें से धुआं तो उठी नहीं, महंगाई कब कम होगा, तो ये सब मुद्दे हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी चर्चा करते हैं या फिर से इधर उधर की बात करके फिर निकल जाएंगे। 400 पार का जो है दावा लगातार हो रहा है इस बार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी नेता, देखिए 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 एक तरफ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं, बिहार में उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई इसकी बात क्यों नहीं करते हैं, तो ये सब बातें हैं, मुद्दे की बात है, और जो उनकी सभा में भी जो जनता जाती है वो भी प्रधानमंत्री से ये सुनना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी आज भाषण में क्या बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आते हैं इधर उधर की बात करके चले जाते हैं, तो उनको भी निराशा लगती है हाथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इनकी विदाई तहत 200 भी आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। परमानेंट कोई कार्यालय ऐसा नहीं होता, जो स्थान होता है वहीं पे लोग मिलते जुलते हैं, जब चुनाव आता है तो हर एक क्षेत्र में कार्यालय खुलता है, तो वो तो कार्यालय अलग है, लेकिन ये जो मेन कार्यालय है कि सारे विधानसभा के लोग यहाँ पर आकर के अपना मिलेंगे जुलेंगे अपनी बातों को रखेंगे, तो ये क्षेत्र में ही है और ये दानापुर में आता है, इसलिए दानापुर में ही हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किया।